विधानसभा उपचुनाव में प्रभुराम चौधरी को रिकॉर्ड जीत मिलने के बाद पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया। उन्होंने संगठन की मेहनत की भी सराहना की। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से चर्चा की हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है, अभी बात की जाए तो सांची विधानसभा से प्रभुराम चौधरी ने बड़ी जीत हासिल की है और इसका श्रेय हम माने तो रामपाल सिंह जी जो लगातार फील्ड पर रहे हैं और उनकी मेहनत पूरी वहां के प्रभारी रहे हैं और पूरी लगन से उन्होंने पूरी मेहनत की। आपको बहुत बहुत बधाई पहली बार। आपको भी बधाई, शुभकामनाएं, दीपावली मंगलमय हो। सांची के मतदाताओं ने हमारे मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे, संगठन के आह्वान पे अपार स्नेह दिया। रिकॉर्ड मतों से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम जी को जिताया है। आपके माध्यम से मतदाताओं को मैं बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो काम है, उन पर मोहर लगाई। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह पूरे देश का विकास कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, उनकी उनका भी सम्मान सांची के मतदाताओं ने करके सिद्ध कर दिया कि पूरी मतदान पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस का मोह भंग कर दिया। कांग्रेस ने 15 महीने में जो धोखा किए थे, झूठे वादे किए थे, उनका करारा जवाब सांची के मतदाताओं ने दिया है। बात करें मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सांची और रायसेन जिले की हम बात करें तो आपका नाम सबसे ऊपर है, मंत्री बनने में किस तरीके से देखते हैं? इसमें ये हमारा विषय है नहीं, ये हमारा विषय था पार्टी ने चुनाव में प्रभारी बनाया था सांची में, और जो लक्ष्य दिया था, जो काम देती है पार्टी, वो काम करना हमारा कर्तव्य है। पार्टी ने जब जब भी हमको जो निर्देश दिए, लोकसभा दो लोकसभा भी चुनाव लड़े, मंत्री पद छोड़ा, विधानसभा भी क्षेत्र चेंज किए, जहाँ जब जरूरत पार्टी को पड़ेगी, पार्टी के लिए हम लोग समर्थक हैं। जो काम देते हैं वो ईमानदारी से पार्टी के लिए करके अपन पूरा अपना दायित्व निभाएंगे, यही हमारी ड्यूटी है। अन्य विषय जो आप उठा रहे हैं, जब जरूरत संगठन को सीएम साहब को होती, जहाँ जिसकी जिस कार्यकर्ता को कहाँ क्या जवाबदारी देना है वो नेतृत्व तय करते हैं, उस पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये थे रामपाल सिंह जो लगातार सांची विधानसभा में उन्होंने पूर्ण रूप से काम किया और वहाँ के प्रभारी रहे और एक बड़ी जीत सांची को दिलाने में कामयाब रहे और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है जिसमें रामपाल सिंह का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।